चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्रवीण चौधरी का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार. एंड आई होप कि आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? आज के इस लेक्चर के पहले हमने CRVI, दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी और ड्राफ्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में आप लोगों ने मुझे देखा, बराबर है? काफी लोगों ने लेक्चर्स को सराहा भी, काफी लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, कंसेप्चुअली आप समझा के देते हैं, बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें सुन के. और काफी बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई कि सर प्लीज अगर हो सके तो जो अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप रिकॉर्ड करके अगर अवेलेबल करवा देते हैं तो बहुत अच्छा होगा. तो वही चीज पे अमल करते हुए आज मैं आपके सामने यहां पर लेके आ रहा हूं एक नया सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का नाम है आपका एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, बराबर है? ये सब्जेक्ट आपका है. अगर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो सबको पता है कि ये सब्जेक्ट आपका ग्रुप नंबर 2 जो है, कौन सा ग्रुप बेटा? सेकंड वाला जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर FM और ITSA के साथ में एक ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट आता है जिसमें कि मैक्सिमम बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने लिखा तो बहुत कुछ था लेकिन मार्क्स नहीं मिले. बहुत लिखा बोले हमने, लिखा बहुत कुछ था लेकिन मार्क्स मिले ही नहीं, बराबर है? और उसकी वजह से, एथिक्स की वजह से हमारा FM और ITSA वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप हमारा नहीं निकल पाया. खैर ITSA तो इतना टेंशन वाली चीज नहीं है, लेकिन FM का सब्जेक्ट पास नहीं हो पाना बिकॉज ऑफ एथिक्स का सब्जेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज है, राइट? तो उसके लिए आज हमारे पास में एक वीडियो है, राइट? चलिए, तो अगर मैं ये सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, वैसे आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरा जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका कितने मार्क्स का रहेगा बेटा? 100 मार्क का रहेगा, बताने वाली बात नहीं. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि अगर मैं बात करता हूं अबाउट द एथिक्स एंड गवर्नेंस, अगर मैं ये दो वर्ड्स के बारे में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्ड्स के ऊपर कुल मिला के आपका 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है. कितने मार्क्स का बेटा? 70 मार्क्स का पेपर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रहेगा? आपका एथिक्स और गवर्नेंस के ऊपर. और जो ये तीसरा वर्ड आपका है जिसका नाम क्या दिया गया है? सस्टेनेबिलिटी, बराबर है? इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपका कुल मिला के 30 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका आएगा. गॉट द पॉइंट? अब सर एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में आता है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने हिम्मत भी कर ली मुझसे पूछने की कि प्रवीण सर एक बहुत ही गहन सा सवाल है, जरा जवाब दीजिए. बोले आप, मैंने कहा बोलिए क्या सवाल है सर? बोले हमारा जो काम है वो है, बोले कंप्लाइंसेस करवाना. हमारा जो काम है वो है कॉरपोरेट वाला. हमारी जो पोजिशन है वो है KMP वाली, की मैनेजरियल पर्सनल वाली, बराबर है? अब ऐसे केस में हमें यहां पे एथिक्स के बारे में जानने की क्या जरूरत है? हमें यह जानने की क्या जरूरत है कि एथिकल क्या है या अनएथिकल क्या है, या फिर यहां पे सस्टेनेबिलिटी की बात आप क्यों कर रहे हो? सर ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो कि आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो अभी वापस से उसी के बारे में डिस्कशन करने की जरूरत क्या है आखिर? यह सवाल आया, बराबर है? अब बेटा पॉइंट यहां पर ऐसा आता है कि मैं आपको बता दूं, और शायद कुछ लोगों को यह चीज समझ में आती भी होगी कि हमारा जो काम है उस काम के अंदर या जिस फील्ड में हम हैं वहां पे एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सर बोले एथिक्स की बात की जाए तो एक्चुअल में एथिक्स का मतलब क्या होता है? सर एथिक्स का मतलब होता है कि सही क्या और गलत क्या, जायज क्या और नाजायज क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, बराबर है? इन सब चीजों के बीच में प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट करना, सर जिसके हिसाब से हम कॉर्पोरेट लाइफ में ये डिसाइड कर पाएंगे कि सर हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए. क्या हमें कंप्लायंस करते टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन कर देने चाहिए या फिर हमें उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए? Are you getting the point? तो ये चीजों के बारे में हमें यहां पे सोचना पड़ेगा. Is this point clear? अगर हम इन सब चीजों के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं मतलब कि हम एथिक्स की बात कर रहे हैं. दूसरा वर्ड जो आपने यहां पे यूज किया है कौन सा बेटा? गवर्नेंस वाला वर्ड. अगर मैं गवर्नेंस वाले वर्ड के बारे में बात करूं, इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है. क्यों पता होगा? क्योंकि आपका नाम है कंपनी सेक्रेटरी.
सर कंपनी से प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस करवाने का जो काम है वो आप करवाएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या आपकी जो कंपनी है, क्या आपका जो कॉर्पोरेट है वो लॉस के हिसाब से प्रॉपरली गवर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है? बराबर है, ये सब चीजें इंश्योर करने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा बेटा? आपका रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। और फिर उसके बाद में जब हम तीसरे वर्ड के बारे में बात करते हैं, दैट इज अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने फाउंडेशन के अंदर या उसके पहले 11th और 12th में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था इकोनॉमिक्स, याद है आपको? अगर मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो उस सब्जेक्ट के अंदर हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है मतलब कि हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं बेटा? वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं तो फिर काम करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी को शुरू किया, कोई कंपनी को शुरू किया, उसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस हुए होंगे, आपने उसमें फिक्स्ड एसेट्स लेके आए होंगे, उसके लिए आपने टाइम निकाला होगा, आपने एनर्जी लगाया होगा, आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो वो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाती है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सारी की सारी जो मेहनत थी वो पानी में चली गई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? सो सिंपल सी बात यह है कि जस्ट बिकॉज की कंपनी ने कुछ छोटा मोटा काम नहीं किया होगा, गवर्नेंस नहीं करवाए होंगे या एथिकल काम नहीं किए होंगे, अनएथिकल काम किए होंगे, उसकी वजह से आपकी जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं कर पाई या फिर कंसिस्टेंटली मार्केट में अपने आप को रिटेन नहीं कर पाई, सस्टेन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कंपनी को बंद करना पड़ा। अगर ऐसा होगा तो सीधी सी बात है कि पूरे रिसोर्सेस क्या हो गए बेटा? साफ हो गए, रिसोर्सेज का कोई मतलब ही नहीं आया। Are you getting the point? So because of that reason, it is very, very, very much important कि हमें इस बात के बारे में नॉलेज रहे कि अगर हम चाहते हैं कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करवाना है तो उसके लिए हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Is this point clear? So because of that reason, अगर मैं ये सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो माना कि जो ये सब्जेक्ट है ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, माना कि ये सब्जेक्ट के अंदर काफी सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Is this point clear? So because of that reason, ये subject जो है वो हमारे syllabus के अंदर, वो भी CS professional में, जो कि आखिरी level है हमारे पड़ाव का, बराबर है? इसके अंदर आपको दिया गया है ताकि companies के अंदर job करने के पहले, companies की जिम्मेदारी लेने के पहले, ICSI को represent करने के पहले आपको ये पता रहे कि क्या करना ethical होगा और क्या करना unethical होगा, ताकि एक सही इंसान के हाथ में जो प्रॉपर चीजें हैं वो दी जा सके, ट्रस्टवर्दी इंसान के हाथ में। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारा ये सब्जेक्ट है ग्रुप टू के अंदर जिसका नाम है एथिक्स गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। व्हाट द पॉइंट? चलिए अब सबसे पहले अगर मैं इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करूं जिसका नाम है एथिक्स एंड गवर्नेंस, उसका इंट्रोडक्शन, बराबर है? तो बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने कभी औरोबिंदो के बारे में अगर सुना होगा, सर औरोबिंदो, बराबर है? अगर उनके बारे में आपने सुना होगा तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने यह कहा था कि अगर आप कोई सही चीज करना चाहते हैं और अगर उसको आप सही तरीके से करना चाहते हैं, इन ईच केस एंड एट एवरी मोमेंट, देन इन दैट केस आपका सही कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपका जो दिमाग है वो बहुत संतुलित होना बहुत जरूरी है। सर अब ये कॉन्शियसनेस का मतलब यहां पे क्या है? कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो काम सही होगा या फिर वो गलत होगा। आप में उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उस काम से हो सकता है कि आपका बेनिफिट हो रहा होगा, लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि क्या वो काम करने से किसी दूसरे का नुकसान भी हो रहा है क्या। और अगर मैं वो वाला काम कर रहा हूं तो मुझे यह भी कंफर्म करना होगा कि किसी दूसरे का नुकसान ना हो।
इज दिस पॉइंट क्लियर? तो उस चीज के हिसाब से यहां पे क्या बोला गया बेटा, ये कहा गया कि अगर आप सही तरीके से कोई भी चीज सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो कॉन्शियसनेस है वो सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना सही काम नहीं हो सकता। सब मतलब यह है कि आज की डेट में आप ये देखिए कि कहीं पे भी अगर आप बात करते हैं पूरे के पूरे पॉलिटिक्स के बारे में या फिर कंपनीज के बारे में, रोज नए नए घोटाले जो हैं वो आपको सामने आते हैं, यस और नो, बराबर है? लेकिन वहीं पे आपको कुछ ऐसा भी दिखाई देता है जहां पे आपको ये लगता है कि अरे अगर ये इंसान चाहता तो घोटाला कर सकता था, लेकिन उसके जमीर ने उसको इजाजत नहीं दी और वो घोटाला नहीं करता है। आपको ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जिनका हाथ पैर कान नाक सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं, और आपको ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जो कि शायद अपाहिज हैं, शायद अपाहिज हैं उसके बावजूद अपनी खुद की कमाई के रोटी जो है वो खाते हैं। क्यों ऐसा? वेरी सिंपल, क्यों? द रीजन बीइंग कि उनका जमीर जो है वो उनको इजाजत नहीं देता है कि वो भीख मांग के खाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो औरबिंदो सर ने यहां पे बहुत अच्छी बात कही और बहुत सही तरीके से कही। क्या कहा बेटा? ये कहा कि सर अगर आप कोई राइट चीज करना चाहते हैं, सही चीज करना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, तो ये सही तरीके से सही चीज करने के लिए आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपका सही होना बहुत जरूरी है। कौन सा कॉन्शियसनेस बेटा? ये आपका इनर वाला कॉन्शियसनेस, अंदरूनी आंतरिक मन का कॉन्शियसनेस, आपके मन से आने वाली जो बातें हैं उसकी बात की जा रही। मतलब आपके दिमाग में ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ में फ्रॉड करना है, किसी को धोखा देना है, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाय पैसा कमाना है, कहां से कमाऊं, ये नहीं होना चाहिए, बराबर है? चलिए इसके बारे में और क्या कहा गया। कहते हैं कि सर अगर हम बात करें इनर कॉन्शियसनेस के बारे में तो इसका मतलब होता है अवेयरनेस, द कैपेसिटी टू लिसन to the inner voice that tells us that there is someone who is looking up at us and allows also wants that there is someone who is watching us. So, मतलब ये कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई है ऊपर वाला जो कि आप पे नजर रखे हुए हैं और हर एक सही और गलत चीज जो कि आप कर रहे हैं उसका हिसाब किताब जो है वो ऊपर वाले के पास है। मतलब यह हुआ कि आपके पास में इतना सेंस है कि मैं अगर अपनी जिंदगी जी रहा हूं तो मेरी वजह से किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और चीजें जो है वो सही तरीके से चले। गॉट द पॉइंट? चलिए, द सोल एंड द कोर ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट द कंडक्ट एंड द बिहेवियर दैट वी सी आउटवर्डली, इट इज इंटरनलाइज्ड वैल्यू दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टॉप मैनेजमेंट फॉलोज। सीधी सी बात है सर, बोले अगर हम बात करते हैं चीजों को सिर्फ शो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर चाहे तो किसी दूसरे के साथ में इजिली फ्रॉड कर सकते हैं, बराबर है? या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर चाहे तो सिंपली बोल सकते हैं कि यह हमारा काम नहीं है और कोई उन पर उंगली तक नहीं उठाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने वो तो सुना ही होगा 26/11 का जो ताज पे हमला हुआ था, बराबर है? कसाब का जो केस था। अब वो चीज के अंदर ताज होटल में जब हमला हुआ तो मुझे ये बताइए कि क्या इसके अंदर टाटा की कोई गलती थी क्या? आपका जवाब आएगा नहीं सर, टाटा की तो कोई गलती नहीं थी। बट उसके बावजूद वहां पे जितने भी लोग थे जो कि इंजर्ड हुए होंगे या फिर जिनकी डेथ गई होगी, जिंदगी गई होगी, उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए टाटा ने खुद ने कहा कि हाँ हम ये वाला काम करेंगे करके। क्या किसी ने उनसे कहा था कि यह पॉलिसी आपकी होनी चाहिए? आंसर इज नो, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा था, उसके बावजूद उन्होंने ये वाला काम किया। Why that so? The reason is कि उनका जो अंदरूनी मन है वो उनसे कहता है कि हमें ऐसे कोई गलत काम नहीं करने हैं, या फिर अगर उनको ये लगता है कि भैया हमारे होटल के अंदर लोग आए थे, अगर वो हमारे होटल में नहीं आते तो शायद आज वो जिंदा होते। गॉट द पॉइंट? तो उसकी वजह से उन्होंने हेल्प के लिए सामने आए। Is this point clear? So, ये सब जो चीजें हैं ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। ओके, फिर उसके बाद द क्वालिटी आर कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस विल लिव इन। अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं तो कॉन्शियसनेस के दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है लोअर पार्ट और एक आपका होता है अपर पार्ट। सर लोअर पार्ट का मतलब क्या है? आपकी बॉडी, आपके बॉडी के हिसाब से, आपकी बॉडी की जरूरत के हिसाब से आपको जो लगता है कि भैया ये मेरे लिए सही है, मुझे ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, वो आप करते हैं या फिर नहीं करते हैं।
बराबर है, यानी कि अल्टीमेटली आप खुद के बेनिफिट के लिए बात करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि किसी और के लिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं देखते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, बराबर है? तो वो एक कॉन्शियसनेस हो गया जिसमें कि आपके अलावा आपको कोई और दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन वहीं पे एक और होता है आपका मानसिक कॉन्शियसनेस, हायर वन, बराबर है, जिसमें कि अगर बात की जाए आप वहां पे बात करते हैं सच्चाई के बारे में, आप वहां पे बात करते हैं ब्यूटी के बारे में, आप वहां की बात वहां पे बात करते हैं सही चीज के बारे में कि सही क्या है प्रॉपर क्या है, आप वहां पे बात करते हैं हार्मनी के बारे में एंड यूनिटी के बारे में, बराबर है। तो सर आप कोई भी काम सही करोगे या फिर आप कोई काम गलत करोगे वो डिपेंड करता है कि आप कॉन्शियसनेस के कौन से पार्ट में जी रहे हैं, बराबर है। इसके पहले वाला जो पार्ट था आपका, दैट इज अ लोअर फिजिकल वाइटल बीइंग ड्रिवन प्रीडोमिनेंटली बाय द सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही बात करना, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, मटेरियल नीड्स के बारे में, मटेरियल नीड का मतलब क्या होता है बेटा, पैसा, बराबर है, या पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीजें, राइट, और अपना बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए बात करना, ठीक है, एंड द सेंसुअस डिजायर क्वाइट ऑफन डी जनरेटिंग इन टू द ग्रीड, यानी कि अल्टीमेटली जो आप इस पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होने वाली है, वो है लालच, आप लालची बनने वाले हैं, गॉट द पॉइंट। लेकिन वहीं पे जब आप सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं जो कि आपका हायर मेंटल है, मोराल है, स्पिरिचुअल है, बींग सिकिंग फॉर द ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस हार्मनी एंड द यूनिटी, बराबर है, अगर आप इन सब चीजों की बात करेंगे तो ऐसे केस में मतलब कि आप एथिकल काम करने के बारे में सोच रहे होंगे, गॉट द पॉइंट। चलिए, द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बी ट्रूली इफेक्टिव एंड एंड्यूरिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन द हायर पार्ट आर ह्यूमन नेचर और द कॉन्शियसनेस, मतलब ये कि अगर सही मायने में कॉर्पोरेट गवर्नेंस करवाने की बात की जाए तो वही इंसान ये वाला काम कर पाएगा जिस इंसान का जो हायर कॉन्शियसनेस है वो प्रॉपर रहा, गॉट द पॉइंट। एग्जांपल, आपने मूवी देखी होगी रेड, राइट, अगर आप उसी मूवी की बात करें तो दो अलग अलग इंसान, एक इंसान जिसके यहां पर रेड हुई थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका जो लोअर कॉन्शियसनेस है फिजिकल वाला वो काम कर रहा था जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं अजय देवगन के बारे में तो उनका हायर कॉन्शियसनेस जो है वो वहां पे काम कर रहा था जिसमें उनके उसूल उनके सामने थे, उनके एथिक्स उनके साथ में थी, उनके जो गुडनेस है वो उनके साथ में थे, और उसके हिसाब से उन्होंने ये सोचा कि भले ही मुझे इससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा होगा उसके बावजूद मुझे ये वाला काम करना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के लिए सही है और सोसाइटी एट लार्ज के लिए सही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद में बेटा हमारा एक वर्ड आता है जो कि है आपका कौन सा, एथिक्स। अब अगर मैं एथिक्स की बात करूं तो बचपन से आप ये चीज जानते हैं कि एथिक्स नाम का जो वर्ड है ये आपका ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड कौन सा था, ग्रीक वर्ड है आपका इथॉस, बराबर है। अब बोले सर इथॉस का मतलब क्या होता है या फिर एथिक्स का ही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, कैरेक्टर, किसी भी इंसान का सही कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर, बराबर, और कस्टम, कस्टम मतलब जो रीति रिवाज हैं उस रिवाज के हिसाब से, उस रीति के हिसाब से बिहेव करना, यानी कि सोसाइटी के हिसाब से बिहेव करना, राइट, और एक्सेप्टेड बिहेवियर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेड बिहेवियर, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, क्या बोले, जिस समाज में आप रहे हो सकता है कि आप जो काम कर रहे होंगे वो सही होगा या फिर गलत होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी जिसमें कि आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में अगर वो चीज एक्सेप्टेड है तो इवन अगर कोई गलत चीज होगी तो वो भी आपकी एक्सेप्टेड रहेगी, और अगर कोई सही चीज होगी तो वो भी आपकी क्या रहेगी बेटा, अनएक्सेप्टेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियस पॉइंट पे मुझे बात नहीं करना चाहिए बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एक हिंदू सोसाइटी के बारे में तो वहां पे एक इंसान एक ही शादी कर सकता है, हालांकि जेल भी एक को ही सकता है, बट अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो मुस्लिम के केस में तीन शादियां भी की जा सकती है और तीन से चार भी की जा सकती है, गॉट द पॉइंट। अगर मैं उस समाज की बात करूं तो उस समाज में तीन लोगों से शादी करना, तीन महिलाओं से शादी करना जायज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो द पॉइंट इज कि जब आप एथिक्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप यहां पे कुछ ऐसे चीजों की बात कर रहे हैं जो कि सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड होंगे, गॉट द पॉइंट। चलिए, नाउ द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी स्टेट्स एथिक्स एज द मोरल प्रिंसिपल,
कौन से प्रिंसिपल बेटा? मोरल प्रिंसिपल, दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और हाउ एन एक्टिविटी इज कंडक्टेड, या फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द मोरल प्रिंसिपल। मतलब उसका वही आता है कि सर जो भी आपका समाज है उस समाज के अंदर आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कौन से काम होंगे जो कि अच्छे वाले माने जाएंगे, कौन से काम होंगे जो कि गलत वाले माने जाएंगे, कौन से काम आपको करने चाहिए, कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, इन सारी चीजों को मिला के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वो मोरल प्रिंसिपल्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन को, उनके सेट को आप यहां पे नाम दे सकते हैं क्या? एथिक्स। गॉट द पॉइंट? चलिए, एथिक्स के अगर मैं जनरली मीनिंग के बारे में बात करूं तो इट मींस द रूल्स और द प्रिंसिपल दैट डिफाइन द राइट और द रॉन्ग कंडक्ट। कोई भी काम अगर किया तो सही है या गलत है उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने गोली मार के किसी दूसरे की हत्या कर दी, ये सही है या गलत है? अलग अलग व्यूज आएंगे, अलग अलग कमेंट्स आएंगे। कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत गलत चीज है, आप ऐसे कैसे किसी को गोली मार के हत्या कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन वहीं पे एक दूसरा ओपिनियन ये भी आता है कि अगर जिस इंसान को मारा गया है वो खुद अगर मारने पे तुला हुआ था और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट में मुझसे गोली चली होगी तो वो चीज आप सही बताएंगे। गॉट द पॉइंट? तो सर इस हिसाब से यहां पे बोला जा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, इस चीज के बीच में एक डिफ्रेंशिएट करने की जो कला है उससे आप नाम दे सकते हैं क्या? एथिक्स। राइट? फिर उसके बाद एथिक्स रेफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट करना मतलब कि करना, परफॉर्म करना, बराबर है सर? कोई भी चीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो भी आपका कोड होगा उस कोड को भी आप यहां पर नाम दे सकते हैं क्या? एथिक्स, प्रॉपर तरीके से करने के लिए। गॉट द पॉइंट? सो कोड ऑफ कंडक्ट दैट गाइड एन इंडिविजुअल व्हाइल डीलिंग विद द अदर्स, कि अगर कोई दूसरे के साथ में आपको बिहेव करना है तो उस बिहेवियर में आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है, किस तरीके से आपको वहां पे बात करनी चाहिए, या किस तरीके से आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रांजैक्ट करना चाहिए, इन सब चीजों की जो कोर वैल्यू है उस वैल्यू को आप यहां पे नाम दे सकते हैं एथिक्स, जिसका दूसरा वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं एज अ कोड ऑफ कंडक्ट भी। गॉट द पॉइंट? चलिए, इट इज ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद व्हाट इज प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द मैन, यानी कि अगर कोई भी काम करना तो उसका सही तरीका क्या होगा, क्या नहीं होगा, उस चीज को भी आप यहां पे एथिक्स बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एथिक्स जो है इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है? सेम पॉइंट वापस से रिपीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दीज एथिकल स्टैंडर्ड्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट देयर बिहेवियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एज परसीव्ड बाय द अदर्स। मतलब यही है कि सर जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स हैं, उनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो वो सही है या फिर वो गलत है, या फिर वो काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गॉट द पॉइंट? चलिए, इट इज नॉट अ नेचुरल साइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या नहीं है बेटा? ये नेचुरल साइंस नहीं है, बट इट इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। सर क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, सर ये काम करना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए ऐसा किसी ने बताया ही नहीं है, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर कौन सा काम करना सही होगा, कौन सा काम करना गलत होगा, इसके बारे में कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे डिसाइड करें ये चीज के बारे में? और हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो नेचर का दिया हुआ है, या फिर नेचर ने कहा है कि ऐसा करना एथिकल होगा और ऐसा करना अनएथिकल होगा? नेचर ने तो ऐसा भी नहीं बोला। गॉट द पॉइंट? सो द पॉइंट इज, सही क्या और गलत क्या, ये हमारे समाज का बनाया हुआ एक चीज है, और उस समाज के अंदर जो भी एक्सेप्टेड बिहेवियर है उस बिहेवियर को आप नाम दे रहे हैं क्या? एथिक्स। गॉट द पॉइंट? चलिए, एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। सर एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब यह है कि अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन में जो एथिक्स है उसका मतलब अलग हो सकता है। सर मतलब ये कि किसी को मारना पाप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने अर्जुन को कहा था कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। मतलब कि उस सिचुएशन में वहां पे कौरवों को मारना अलाउड था, क्यों? क्योंकि वही एथिकल था। इज दिस वन क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहां पे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन एंड सिनेरियो टू सिनेरियो एथिक्स का जो मतलब है वो चेंज होते रहेगा. गॉट द पॉइंट? चलिए कंक्लूजन. एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द मोरल ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशन एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गुड और नॉट गुड फॉर द अदर्स एंड फॉर अस. सही क्या है, गलत क्या है, बस उस चीज के बीच में जो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, सिर्फ उसी चीज को यहां पे बोला गया है क्या, एथिक्स. बराबर है. एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोरल डिसीजन दैट आर मेड बाय अस इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आर ड्यूटीज. आपकी जो ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करने में सही और गलत के बीच में जो आप चूज करते हो उससे नाम दिया गया है क्या, एथिक्स. बराबर है. और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत सिंपल है. अगर एक कंपनी की आप बात करते हैं या कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं तो वहां पे फाइनेंस नाम की चीज आती है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नाम की चीज आती है, वहां पे मार्केटिंग करने की चीज आती है, वहां पे प्रोडक्शन करने की चीज आती है. अब ये ध्यान से सुनो बेटा, अगर मान लो मैं प्रोडक्शन करने के बारे में बात करूं तो कोई भी चीज को प्रोड्यूस करके अगर आप बेचने की बात करते हैं जिससे कि आपको इनकम आ रही होगी तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ इनकम कमाने के बारे में सोचेंगे? अगर आपका जवाब आता है कि हां सर मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम कमाने के बारे में सोचूंगा तो ये अनएथिकल है. क्यों अनएथिकल है? क्योंकि सर आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके इनकम कमाने के चक्कर में क्या कहीं किसी दूसरे इंसान को जो कि इसी सोसाइटी में रहता होगा उसको कोई नुकसान तो नहीं है, उसको कोई हार्म तो नहीं हो रहा है. बराबर है. अगर ऐसा हो रहा है मतलब कि आप अनएथिकल काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे ऐसे कॉमोडिटीज, ऐसे प्रोडक्ट आपने सुने होंगे, दारू, तंबाकू, गुटखा, पान, सुपारी वगैरह वगैरह. बराबर है. सब बोले इनको बना के इनको बेच के लोग इनकम कमा रहे हैं. क्या कमा रहे बेटा? इनकम कमा रहे. लेकिन ये जो चीजें हैं ये हार्मफुल है. गॉट द पॉइंट? तो सर ऐसे केस में कहीं ना कहीं जो भी लोग ये चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे ये अनएथिकल होगा. बराबर है. दूसरी एक और चीज, अगर मैं मार्केटिंग करने की बात करूं उसमें तो आपने बहुत कुछ देखा भी होगा, बहुत कुछ सुना भी होगा. क्या कि सर जितनी भी चीजें टीवी में दिखाई जाती हैं कि फेयर एंड लवली लगा लो गोरे हो जाओगे, या फिर ये वाला काम कर लो ऐसा हो जाएगा, या फिर ये टैबलेट खा लो मोटापा जो है वो कम हो जाएगा. बराबर है. ये ऐसे ऐसी चीजें वहां पे बोल के चीजों को बेचने का काम किया जाता है लेकिन बाद में ये पता चलता है कि सर ऐसा तो होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिओड्रेंट की बात करूं तो ऐसा एक सिंगल ड्यूडेंट मेरे को बता दो जहां पे कि ऐसा आ रहा हो, मतलब जहां पे कि लड़की को यूज नहीं किया गया हो, जहां पे ये नहीं दिखाया गया हो कि ये ड्यूडेंट किसी लड़के ने लगाया और लड़कियां उसके पीछे उली. भाई साहब जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी हुआ है ऐसा? आंसर इज नो. यानी कि यहां पे मार्केटिंग जो है वो अनएथिकल तरीके से की जा रही है, यानी कि जो सही चीज है वो बताई ही नहीं जा रही. सिंपली ये भी तो बोला जा सकता था कि सर आप डिओड्रेंट यूज करो बदबू नहीं आएगी, बात खत्म. गॉट द पॉइंट? लेकिन बताया क्या जाता है, सब बोले डिओड्रेंट को यूज करो, हमारा डिओड्रेंट ऐसा है कि 24 घंटे, अरे 24 घंटे छोड़ो, 24 साल तक बोले बदबू नहीं आएगी. अगर इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपके कंपनी के अंदर की जा रही है या फिर सोसाइटी में की जा रही है और आपके नजरों के सामने हो रही है, आपके कंफर्मेशन से हो रही है, मतलब कि उसमें आप भी इन्वॉल्व है. बराबर है. तो सर मेन हमारा काम, हम कौन, कंपनी सेक्रेटरी, हमारा जो काम है वो ये है कि हमें चीजें अनएथिकल नहीं होने देना है. हमारा काम यह है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको इंश्योर करना है, और हमारा काम यह है कि एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये दोनों चीजों को मेंटेन करके हमें सस्टेनेबिलिटी जो होती है उसको मेंटेन करना है. ये समझ में? अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तभी हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल कहलाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बेसिस पे प्रोफेशनल नहीं बना है बल्कि वो इस सोसाइटी के अंदर, इस कंट्री के अंदर सही मायने में एक वैल्यू एडिशन करने के लिए बना है. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये वाले वीडियो में हम इतना ही करते हैं. बराबर है. इसके अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स. बराबर. अभी ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन पहले वीडियो में हम इतना ही करते हैं. आगे आपके और चैप्टर्स आएंगे जो कि गवर्नेंस के बारे में रहेंगे, एथिक्स के बारे में रहेंगे, जो कि आपको यह बताएंगे कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए ताकि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रॉपर तरीके से समझ सके, उसको संभाल सके. क्या क्या ऐसे काम होने चाहिए जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के बारे में ना सोचे बल्कि कंपनी के पूरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में आप वहां पे सोचे. बराबर है. तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, और कैसे
हमें क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि हमारी जो कंपनी है वो कंसिस्टेंटली ग्रोथ जो है वो अचीव करती रहे और कभी ऐसा सिनेरियो ना आए कि हमें कंपनी को वाइंड अप करना पड़े, इसके बारे में हमको वहां पर सोचना पड़ेगा। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।